मार्कशीट का रिकॉर्ड है, इसमें लिखा है क्रिएट अ फ्लोइंग टेबल इन एक्सेल। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस टेबल को अपने एक्सेल में बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कैलकुलेट करने का सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे हमने सबका सम निकालना है, यहाँ पे एवरेज, यहाँ मैक्सिमम, मिनिमम। अब इसमें क्या है कि मैथ दे रखे हैं इनके, ठीक है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट दे रखे हैं। और नीचे उसके यहाँ पे उनके मार्क्स दे रखे हैं, और साथ में स्टूडेंट का नाम नहीं, यहाँ पे सिर्फ उनका रोल नंबर दे रखा है। अब ये तीन जो आपका दे रखा है, हिंदी, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट दे रखे हैं, इन तीनों सब्जेक्ट के बेस पे ही हमें निकालना है इनका टोटल, और इन तीन सब्जेक्ट का हमें निकालना है एवरेज। इन तीनों सब्जेक्ट में से हमें निकालना है कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है और मिनिमम सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है। देखते हैं एक्सेल में हम इसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें फॉर्मूला लगा के निकालना है, ठीक है, क्या करना है, फॉर्मूला लगा के निकालना है, ठीक है। तो जब इसे सम निकालना है, मतलब इस सबका टोटल निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद कीबोर्ड से आपको टाइप करना है सम, ठीक है, और फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए सम, अब सम जैसे हो गया, आप कह रहा है नंबर पूछ रहा है, तो आपको हिंदी, मैथ और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, देन फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है और कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। अब देखिए इन तीनों सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स निकल के आ गया कितना है, 241, ठीक है। ये इसका जैसे हिंदी, मैथ और इंग्लिश इन तीनों का आपका टोटल निकल के आ गया, ठीक है। अब सम क्या करता है, देखिए दिखा हुआ, ऐड ऑल द नंबर विच गिवन इन द रेंज। ये जो रेंज हमने लिया था, ये रेंज, इन रेंज के बीच में जो भी आपका नंबर होगा उसे क्या क्या इसने सम कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे हम फॉर्मूला इसका एवरेज। एवरेज लिखने के बाद क्या करना है, आपको रेंज लेना है, ठीक है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ये आपका रेंज हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। ये देखिए ये निकल गया इनका रेंज। अब क्या करना है, यहाँ पे मैक्स, ठीक है, मैक्स निकालना है, तो इक्वल लगाने के बाद एम ए एक्स हमने मैक्स लिखा। अब क्या करना है, रेंज लेना है, ठीक है। तो हमने तीनों सब्जेक्ट को हमने एज अ रेंज ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब देखिए क्या निकला, 85 निकला, ठीक है, मतलब यहाँ पे 78 हिंदी है और 85 मैथ में है और इंग्लिश में इनका 78 है, मतलब इन तीनों रेंज के बीच में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो निकला मैक्स से, ठीक है। आप यहाँ फॉर्मूला में देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन रेंज। जो ये रेंज आपने दिया था, इसमें जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो निकालता है आपका मैक्स, ठीक है। और मिनिमम फिर क्या निकालता है, मिनिमम निकालता है तीनों रेंज यदि लेते हैं तो इस रेंज के सबसे छोटी वाली वैल्यू, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से देखते हैं, इक्वल लगाया हमने। अब हमने लिखा मिनिमम के लिए मीन, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज में हम तीनों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किए। ये देखिए मैक्सिमम क्या निकला, 85, और मिनिमम क्या है तीनों में, मिनिमम है आपका 78 जो हमारा यहाँ पे निकल गया, ठीक है। यदि मैं हिंदी के मार्क्स को चेंज करता हूँ, मैं 48 करता हूँ, ठीक है, 48 किया हमने, तो देखिए अब यहाँ पे मिनिमम क्या आ गया, 48, क्यों, क्योंकि इन तीनों में सब्जेक्ट में से सबसे कम वैल्यू आपका 48 हिंदी में आया है, तो यहाँ पे 48 आ गया, ठीक है। अब इन बाकी जो सेल है, इस सब में यदि सेम फॉर्मूला को रिपीट करानी है तो क्या करनी है, सबसे पहले तीनों को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और साथ में नीचे भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस डी। जैसे आप कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे, देखिए सबका फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, सबका फॉर्मूला निकल के आ गया। देखिए जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया, टोटल के लिए हमने सम फॉर्मूला यूज किया है, एवरेज के लिए हमने एवरेज निकाला है, मैक्सिमम नंबर निकालने के, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने मैक्स फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए हमने मीन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है, इसको आप डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस डिफिनेशन के वीडियो को पॉज करके इस डिफिनेशन को भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आपका